गाइज़ वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे, घर में सुरक्षित होंगे। सो गाइज़ थैंक यू सो मच, आप मेरी वीडियोस को फिर से वैसे ही प्यार देने लग गए जैसे कि मैंने आपको कहा था कि मैं वीडियो अब डालता रहूँगा कंटिन्यू। सो आज है सैटरडे, शनिवार, और आज मैं आया हूँ माता के दरबार अजय भाई से। कुछ आपके ही सवाल थे वो मैं पूछने आया हूँ, तो ये मैं पहुँच चुका हूँ वहीं पर पीछे दरबार। अब चलता हूँ और मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर आज भी मतलब लोग आए हैं मिलने, तो स्टार्ट करते हैं। पहले मैं माता के दर्शन करवाऊंगा, उसके बाद बाहर भीड़ है वो सब दिखाऊंगा। भीड़ क्या है मतलब कुछ जिनकी ज़्यादा प्रॉब्लम है मतलब दिक्कत है, तो वो सब मैं आपको लोगों को दिखाऊंगा। आइए बात करते हैं अजय जी से। तो स्वागत है अजय जी आपका। जय माता दी। तो कुछ लोगों के प्रश्न थे, जैसे कि पिछली बार आपसे हमने प्रश्न करे थे, तो इस बार भी कुछ प्रश्न हैं लोगों के। देखिए, मन के संदेह तो मैं आपके हर संदेह दूर करने के लिए उपस्थित हूँ, पर मैं चाहता हूँ कि आज मेरी चर्चा ना हो, आज मेरी चर्चा ना हो, क्योंकि मैंने कहा ना इस दुनिया में एक से बढ़कर एक महानुभाव है, एक से बढ़कर एक महानुभाव है। तो परसों ही मैं एक जगह गया था, तो मुझे लड़की मिली। तो वो लड़की क्या कहते हैं आज अपने परिवार में सुखी है, संपन्न है। तो मैं पूछा तो कहे भैया आप उनको जानते हो जिनसे मैं आज आपको मिलाऊंगा। मैंने कहा हाँ कि भैया उनकी कृपा से आज मेरा परिवार सुखी है। मैंने कहा क्यों, ऐसा क्या किया उन्होंने? तो उन्होंने कहा वो दीदी एक चैरिटी चलाती है। मैंने कहा अच्छा, तो कि चैरिटी चलाती है, उन्होंने मुझे फ्री में कंप्यूटर सिखाया, फ्री में जो है फेसियल वगैरह जो ब्यूटी पार्लर का काम होता है ये सिखाया। आज अगर मेरे पति कभी काम नहीं करते हैं तो मैं कंप्यूटर लाइन में जो हूँ काम करती हूँ और महीने के 10 या 12 हज़ार रुपये कमा लेती हूँ। मैंने कहा ये तो बहुत अच्छी बात है। तो उन्होंने कहा पर भैया एक चीज़ का अफसोस होता है। मैंने कहा क्या? कि उन दीदी की कहीं से हेल्प नहीं है। मैंने कहा ऐसा क्यों? जब वो चैरिटी चलाते हैं तो उनको तो सरकार से मदद मिलनी चाहिए कि गरीब कन्याओं के लिए। कहा कि ऐसा नहीं है कि उन्होंने फोर्स नहीं किया, लेकिन वो एक लेडीज हैं और उनके सपोर्ट में कोई नहीं है। तो ये चीज़ सुनकर मैं हैरान हुआ, तो मैं इस चीज़ के लिए गया। तो मैं जब देखा तो उनके पास जिस समय में गया कम से कम 12 से 13 कन्या जो थी वो कंप्यूटर सीख रही थी, और उनके कंप्यूटर जो सीख रही थी उसमें सिर्फ एक ही कंप्यूटर वो सिखा रहे थे, बाकी दो जो कंप्यूटर थे वो ख़राब थे। तो मैंने कहा उनसे कि आपने रिपेयर क्यों नहीं करवाया? तो उन्होंने कहा कि हमने अभी तक किसी से ना मदद मांगी, ना किसी से डोनेशन लिया, बस अपनी तरफ से गरीब लड़कियों को फ्री में सिखाते हैं, फ्री में एक कंप्यूटर। मेरे पति जो कमाते हैं, मैं जो कमाती हूँ, वो हम सब इसी दान पुण्य में लगा लेते हैं। मुझे ये सुनकर बहुत खुशी हुई कि आज भी इतना मन में कि हाँ अपने बच्चों को, दूसरे बच्चों को अपना बच्चा समझना कितनी बड़ी बात है। जब मैंने ये बात सुनी तो मैं थोड़ी देर उनके पास बैठा। तो मैंने उनसे बोला कि क्या कहते हैं आपकी हेल्प क्यों नहीं हुई, ऐसे आपको तो सरकार से मिलनी चाहिए। उन्होंने कहा कि मैंने प्रयत्न किया था, मैंने एक दो बार प्रयत्न किया था, लेकिन मेरी मदद नहीं हुई, क्योंकि आज की डेट में मैंने इतना देखा है अगर आपकी जान पहचान है तो ही आपको कहीं से मदद मिलेगी।
अगर सरकार से मदद चाहिए तो आपके लिए फिर क्या कहते हैं, अगर आपको सीएम से मिलना है तो उनके पीओ से संपर्क करो, पीओ से मिलना है तो उनके नीचे से संपर्क करो। तो संपर्क करते करते ये साल डेढ़ साल तो यूं ही चला जाता है। तो मुझे इस बात का अफसोस हुआ, वो सुबह कंप्यूटर सिखा रही हैं, दिन में ब्यूटी पार्लर सिखा रही हैं, शाम को फिर अपने बच्चों को पढ़ा रही हैं। ये देखकर मैं एक महिला की जज्बात मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा क्या फ़ायदा आपका इसे चला के, जब आपको क्या कहते हैं। उन्होंने कहा मैं फ़ायदा नहीं देखती, मैं ये देखती हूँ कि मैं गरीब परिवार से थी, मेरे पास कुछ नहीं था, मेरे पति ने मुझे जो बनाया, मेरे पति ने मुझे कामयाब बनाया और मेरे पति ने मुझे प्रोत्साहन किया। तो मैं सोचती हूँ कि जो स्थिति मेरी थी वो स्थिति किसी दूसरे की ना हो। जब ये विचारधारा मैंने सुनी ना, तो मैं मेरे मन में ये आया कि आप लोग तो मेरे से प्रसन्न करते हैं क्योंकि आपकी नज़र में मैं वो चीज़ें करता हूँ जो चीज़ें लोगों को भला देती हैं, मोटिवेशन करता हूँ और उनके जीवन में जो उनका जीवन जो है अच्छे से स्तर से गुजरे, ये चीज़ करता हूँ। ठीक है, मैंने कहा देवे कृपा बहुत विशेष बात है। तो जब मैंने इस रात पूरी रात सोचा, तो जब मैंने यही सोचा कि जब आप लोग मुझसे प्रसन्न करने के लिए दीपक पंडित जी आपके प्रसन्न लेके आएंगे ना, तो सबसे पहले मेरा प्रश्न यही रहेगा। ठीक है, आप लोग मुझे मानते हैं अपना आइडल, कई लोग मुझे अपना आइडल मानते हैं, कई लोगों को मेरी बातें बुरी भी लगती है। ऐसा भी नहीं है कि हर लोगों को मेरी बात अच्छी लगे, पर जिन लोगों का आइडल हूँ, क्या मैं सच में उस लायक हूँ? मैं खुद सोचता हूँ क्या मैं सच में उस लायक हूँ? नहीं, मैं उस लायक तो नहीं हूँ, पर वो आप लोगों के विचार धारणा है। पर कहने का तात्पर्य क्या है, कई लोग अभी भी ऐसे हैं जो गुमशुदा है, मतलब जिनके भी तलाश ही नहीं कि वो है, मदद तो करते हैं लेकिन एक छुपके से मदद, उनकी मदद कोई नहीं करते। और उनके पति देव कुछ नहीं, सिर्फ LIC का काम करते हैं। कितना कमा लेगा एक व्यक्ति, अपना घर देखेगा कमा लेगा। तो मैं चाहता हूँ कि मेरी आवाज़ सरकार तक पहुँचे, जन तक पहुँचे, कि आप थोड़ा सा उस बड़े स्तर को देखते हुए इन छोटे स्तरों को भी देखें। ये नहीं कर रहा मैं किसी की निंदा नहीं करता, पर मैं चाहता हूँ आप उनको भी देखें जो इस प्रकार के लोग हैं, जिनके मन में करने की भावना है। और मैं चाहता हूँ कि वो आगे बढ़े। और उनका नाम रीना उनियाल जी है, मैं चाहता हूँ वो आगे बढ़े, उनकी चैरिटी आगे बढ़े। इसके लिए मुझे आप लोगों का साथ चाहिए। मेरे उसमें अगर कोई अच्छे स्तर के लोग जो ठीक है कमा लेते हैं, जो अच्छा मतलब जो कर सकते हैं, तो मैं एक ही चीज़ कहूँगा, ऐसा नहीं है चैरिटी मैं भी चलाता हूँ, ऐसा नहीं, मैं भी एक चैरिटी चलाता हूँ, लेकिन मैं ये चैरिटी नहीं चलाता, मैं अपने से जो हो पाता है वो कर पाता हूँ। और मैं चाहता हूँ आप उनकी हेल्प करें ताकि वह दूसरों की हेल्प कर सके, क्योंकि मैंने जो पैसे उन्हें दिए होंगे ना, उन्होंने वो पैसे कभी अपने जेब पे नहीं लगाए। उन बच्चों के लिए जब कंप्यूटर क्लास और मेकअप का सामान जो आ रहा है ना, उनके अपनी जेब से जा रहा है। तो मैं चाहूँगा आप लोगों की अगर थोड़ी बहुत भी हेल्प उनसे मिल सके, क्यों, अगर एक व्यक्ति भी 10 रुपये तो आप लोग एक दिन में खा ही लेते होंगे, है ना। अगर आप लोग 10 रुपये एक दिन में खाने से अच्छा है, अगर आप मन में ये ठान लें कि एक महीने में 50 रुपये मैं किसी को दान करूँगा, तो आप वो किसी भिखारी को ना भी देखें, क्योंकि देखो मैं ये कहता हूँ कि जो मांगता है उसे दे दो, अपनी जेब से जो मर्जी आपकी श्रद्धा दे दो, लेकिन जो हाथ पैर से हष्ट पुष्ट है उसे मांगने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं यही चाहूँगा कि आप वो 50 रुपये उन जगह डोनेशन करें। एक महीने में अगर आप 50 रुपये भी करते हैं और मेरी आवाज़ अगर 10,000 लोगों तक भी पहुँचती है, तो 50 × 10 से कर लो, तो 50,000 तो यूं ही उस चैरिटी को जा रहे। तो मैं चाहता हूँ कि उनकी मदद करें, जो
दूसरों का भला चाहते हैं, दूसरों का भला चाहते हैं, दूसरों का भला चाहते हैं। मेरी आवाज़ इसीलिए मैं चाहता हूँ कि मेरी आवाज़ इस कदर पहुँचे लोगों को कि आप जीवन में कितना भी कमाएं, 50 रुपये एक अलग अलग जो है आप एक गुल्लक में रख लें, और आप किसी ऐसी चैरिटी को या फिर किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढें जो ज़रूरतमंद है, जो ज़रूरतमंद है, तो ज़रूरतमंद है तो मैं चाहता हूँ। तो चलिए मैं आपको उनसे मिलाता हूँ, उनकी चोरी से चलते हैं, छुपके से चलते हैं, तो मैं आपको छुपके से उनकी चैरिटी के बारे में दिखाता हूँ, उनके चैरिटी के बारे में बताता हूँ। चलिए गाइस हम लोग निकल चुके हैं, अब उनके ऑफिस की तरफ जाते हैं। उनका ऑफिस यहाँ से बस थोड़ा सा आगे है। देखिए यह अभी आपको एक घर बाहर बताता हूँ, अभी आप अंदर देखेंगे ना तो इतने लोग बैठे हुए हैं, और मैं अगर बाहर निकला हूँ तो आप ये देखिए कोई ना कोई कारण है जिस कारण मैं बाहर निकला हूँ। मैं किसी का प्रचार प्रसार, मैं किसी का प्रचार प्रसार नहीं करता हूँ। हम भी ये चीज़, हम सिर्फ इस वाले जो ये मतलब NGO है इसको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, मतलब जो ऑल ओवर उत्तराखंड, ऑल ओवर इंडिया, मतलब जो गरीब लोगों की हेल्प कर रहा है, हम चाहते कि आप उनको सहायता करें। हम ये नहीं कह रहे कि जो जिसका प्रमोशन या फिर प्रमोट हम कर रहे हैं आप उसका मतलब उसकी सहायता करें। मैं ये चाहता हूँ, मैं आपको उन लोगों से मिला रहा हूँ कि जो छुपके से मतलब अपनी जेब से कसे हुए भी दूसरों की मदद कर रहे हैं, दूसरे की मदद कर रहे हैं, ताकि उनका देखो रियल लाइफ में हीरो पता है कौन होता है, जो एकदम शांति से अपना कार्य करे और किसी को पता ना चले, और पता जब चले ना कि वो कार्य उसने किया तो एक मन को संतुष्टि होती है। मेरी संतुष्टि उनसे इसीलिए हुई क्योंकि मैं गया कई जगह गया तो कई जगह पैसों का सिर्फ व्यापार हो गया है, पैसों का व्यापार हो गया, बड़ी मात्रा में रकम आएगी, फिर जाके कहीं जाके कुछ होगा है ना, और कहीं पे अभी भी हमारी ये जीविका जिंदा है जो मैं आज देखने के लिए जो दूसरों की मदद कर सकें। अभी इतने लोगों के बीच में निकालना भी पॉसिबल नहीं है, तो मैं ये चाहता हूँ आप जो कमाएँ ना उसका दशांश करते हैं। अगर आप 10,000 कमाते हो, 10,000 कमाते हो और आप एक मन में ठान लेते हो कि 10,000 में से मैं 500 रुपये जो हूँ, 500 नहीं तो 100 रुपये मैं मदद करूँगा किसकी, किसकी, किसी गरीब की, और एक महीने में एक क्या कहते हैं मन, क्या कहते हैं मन में ये ठान लो कि हाँ उन 100 रुपये से मैं किसी की मदद करूँगा, उन्हें अपने गुल्लक में सेव कर लीजिए, सेव कर लीजिए, या तो आप उसे बड़ी अमाउंट बनाकर हर महीने एक साल में अगर आप 100 रुपये इकट्ठे करते हो तो 12 महीने में 1200 रुपये ठीक है, 1200 रुपये और आप इकट्ठा कर पाते हो तो वो जो आपके द्वारा सहायता होगी ना, कल के दिन आपके बच्चे होंगे, पुत्र पौत्र आदि इत्यादि जितने भी लोग होंगे उनकी सहायता होगी। आप उन गरीब बच्चों की मदद कीजिए जो पढ़ने में सहायता, जो पढ़ना चाहते हैं लेकिन वह पढ़ नहीं पाते, किस वजह से, इस गरीबी की वजह से। मैं ये नहीं कहता, कल के दिन वो अगर कामयाब हो जाएंगे ना, सबसे पहले मस्तिष्क में आपका नाम आएगा, आप उसकी जान पड़ताल भी कीजिए। ऐसा नहीं कि दान तब लगता है जब दान देने वाला उचित है, तो दान उनको कीजिए जिन्हें दान की ज़रूरत है, जिन्हें दान की ज़रूरत है। परमात्मा भी यही कहता है, अगर आपने किसी गरीब की सहायता कर ली तो वही परमात्मा आपको उस रूप में मिल जाएगा। तो मैं यही चाहूँगा कि आप जितना कमाएं ना उसका दशांश जो है उनके लिए रखें जिनको ज़रूरत है। तो मैं चाहूँगा आप आगे इस प्रकार से लोगों की, जय माता दी, ठीक हो आप लोगों की मदद करें, ज़रूरत से ज़्यादा मदद करें। गाइस फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं, ठीक है, और ये उनको नहीं पता, हम उन्हें सरप्राइज़ करेंगे वहाँ जाके, ठीक है। और ये आप देख सकते हो, और बताइए आप स्वास्थ्य पानी ठीक है आपका? सब बढ़िया। मैंने आज
जब आपका ये चैरिटी का वो देखा तो मन इतना खुश हुआ कि आज की डेट में भी ऐसे लोग हैं जो निस्वार्थ भाव से, मतलब आपके हस्बैंड की सैलरी कितनी होगी क्या होगी और वो सब आप और क्या कहते हैं यहाँ लगा रहे, और साथ में अमिता जी भी, मतलब सोच के एक बहुत बड़ा वो लगता है कि इस चैरिटी को चलाने के लिए आप लोग अपने तन मन अपने अपने आत्मों से, मैं तो खुश नसीब हूँ कि मैं चाहता हूँ कि मैं खुद इस चैरिटी से भी जुड़ना चाहूँगा, ताकि मैं ऐसी चैरिटियों से बहुत प्रोत्साहन करता हूँ जिनकी जिनकी मदद अभी तक सरकार से नहीं हुई, किसी प्रकार से पता नहीं। और आप इस प्रकार से, जबकि मैं आपको दिखाता हूँ जी, ये देखिए ये सिलाई मशीन, ये सिलाई मशीन में मैंने क्या कहा था, अभी इनके मदद किसी प्रकार से नहीं, ये जितनी आमदनी है उतनी आमदनी में इन लोगों ने यहाँ पर देखिए ये सिलाई मशीन है, सिलाई मशीन ये ब्यूटी पार्लर, ये देखिए एक ही दुकान, इतनी सी दुकान में इतना सब कुछ, ये ब्यूटी पार्लर, यहाँ पर निस्वार्थ भाव से, ऐसा नहीं, इस दुकान का किराया भी अपनी जेब से देना पड़ता है, अपनी जेब से देना पड़ता है, और निस्वार्थ भाव से देखिए एक ब्यूटी पार्लर का काम हो गया, सिलाई का काम, और इनके हस्बैंड अपने घर में कंप्यूटर की जो मैंने बात करी वो अपने घर में स्पेशल कंप्यूटर सिखाने के लिए, जिसमें कम से कम 20 से 25 लोग, इतने लोग आ जाते हैं। मुझे जान के बहुत ही खुशी होती है कि हमारे ऋषिकेश में भी ऐसे लोग हैं। अभी तक क्या कहते हैं, इस चैरिटी के बारे में आपने बताया क्यों नहीं किसी को? अभी तो ऐसा हुआ कि अभी हमने खुद ही शुरू किया है, तो हमने सोचा सब मिलके, हम आपस में ही मिलके, जैसे मैं, रीना उनियाल, अमिता उनियाल जी, मेरे पति योगेश उनियाल जी और बबीता सकलानी जी, हम चारों पांचों मतलब लेडीज मिलके हम सोचते हैं कि थोड़ा मतलब लोगों की मदद की जाए, जो बच्चे गरीब हैं उनकी सहायता की जाए, मतलब हम चाहते हैं कि एक तो शिक्षा के रूप में भी और उनको आर्थिक रूप में भी, मतलब हम जो कर पाते हैं, मतलब जितना हमसे हो पाता है हम उतनी करते हैं। दूसरा, हम सोचते हैं कि किसी के विवाह में भी हमसे मदद हो तो हम वो भी करते हैं। साथ में हम जैसे जानवर हैं, ये सड़क में छोड़े हुए जानवर होते हैं, इनकी भी हम पूरी सेवा करते हैं। हम कोशिश करते हैं कि कोई भी हमें रास्ते में मिलता है तो हम उसकी भी अच्छे से मरहम पट्टी करके उसको भी हम मेडिकल वो देते हैं। साथ में हम मतलब जैसे सड़क में बैठे वो मांगने वाले होते हैं या फिर बेचारे वो गरीब लोग होते हैं, उनके लिए हम महीने दो महीने मतलब हफ्ते महीने में एक दिन जाकर भोजन वितरण करना, वस्त्र वितरण करना, इस तरीके के कार्य भी हम करते हैं। साथ में शिक्षा के रूप में हम सिलाई बुनाई ब्यूटी पार्लर योगा कंप्यूटर इसलिए दे रहे हैं शिक्षा मतलब बच्चों को, जिससे कि वो अपना आगे का भविष्य सुधार सके, अपने उन्हें किसी चीज़ की परेशानी, क्योंकि हमने देखा है कि आज के युग में मतलब बहुत महंगी हो गई हैं शिक्षाएं, मतलब किसी भी चीज़ के कोर्स को करने जाओ तो मतलब इतना महंगा हो गया है कि जो गरीब बच्चे हैं वो नहीं कर पाते हैं, उनके पेरेंट्स उनको नहीं करवा पाते हैं। तो हम चाहते हैं कि हम थोड़ा अपने मतलब जितना हमसे हो सके, हम ये नहीं बोलते कि हम बहुत बड़े स्तर पर हम किसी को कुछ कर सकते हैं, लेकिन हम सिर्फ उनकी नींव अच्छी कर सकते हैं, मतलब हम उन्हें अच्छे से सिखा के इतना कर देंगे कि वो अपना आगे का भविष्य सुधार सके, उन्हें किसी चीज़ की ज़रूरत ना पड़े, किसी की बैग की उन्हें ज़रूरत नहीं पड़े, वो उतना ही हम कोशिश कर रहे हैं। और हम चाहते हैं कि हमसे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ जाएं, और हम लोग मतलब जितनी मदद कर सकते हैं तो हम उससे ज़्यादा भी करें। हम हर तरीके से मतलब निस्वार्थ भाव से ये सोचते हैं कि किसी की ना किसी रूप में हर आदमी की मदद हो जाए, क्योंकि भगवान ने जब हाथ पैर आँखें बनाई हैं तो किसी की मदद के लिए आए, इस्तेमाल करें तो ज़्यादा अच्छा है। देखिए रीना जी, अमिता जी और योगी जी, मैं मतलब आप लोगों की सबसे ज़्यादा प्रभावित फांसी इस बात से हुआ था जब आपने कहा कि लड़कियों को जब शिक्षा मिलती है तो वह जब ससुराल जाती हैं, कई ऐसे होते हैं जिनके हस्बैंड काम नहीं करते हैं और वो गरीब हैं, तो वो सीख के आपके उससे, मैं जब किसी के घर गया तो मैंने जब सुना कि आप लोगों के द्वारा सीखे हुए और वो अपना घर चला रही हैं, और अपना कंप्यूटर कोर्स अपना सब कुछ चला रही हैं, मुझे इतनी खुशी हुई। मैं इतने मतलब आप लोगों से इतना प्रभावित क्यों हुआ, क्योंकि एक तो आप इस दुकान का किराया कितना होगा, लगभग साढ़े तीन हजार, वो भी आप अपनी जेब से? हाँ, वो हम अपनी जेब से दे रहे हैं। और उसके बाद फिर क्या कहते हैं आप लोग, फिर कंप्यूटर कंप्यूटर्स भी हमने अपने आप ही अरेंज किए हैं, मतलब जैसे हम अपने आप ही थे तो मतलब हमने दोनों ने तीनों चारों ने मिलके मतलब थोड़े थोड़े करके हमने सेकंड हैंड कंप्यूटर्स दिए, और उसमें हमने मतलब काफ़ी विद्यार्थियों को शिक्षा दे भी दी है, मतलब 6 महीने के कोर्स हमारे कंप्लीट हो चुके हैं और उसमें हमने 6 महीने बच्चों को सिखा के 15-20 बच्चे सीख के हमारे पास से जा चुके हैं। ये तो बहुत प्रभावित। और चैरिटी का नाम देखिए, चैरिटी का नाम भी देवभूमि माँ गंगा स्वयं सेवी चैरिटेबल ट्रस्ट,
देवभूमि माँ गंगा, ये तो मतलब नाम ही वो है। और दूसरी बात मतलब ना, सोच के जब मैंने ये चीज़ सोची, मैंने कहा यार मैं इस चीज़ को मानता हूँ। ठीक है, सबसे पहले तो देखिए मैं आप लोग को, ये नहीं कि आप लोग का प्रचार प्रसार करने आया हूँ, मैं लोगों को जागरूक करने आया हूँ कि अगर आप 10,000 भी कमाते हैं उसमें से 100 रुपये अगर आपके आसपास कोई चैरिटी चलाता है, अगर आप उसे महीने में वो 100 रुपये डोनेशन भी करते हैं तो उन लोगों की मदद होगी। और डोनेशन भी दान का पुण्य तभी लगता है जो निस्वार्थ भाव से, निस्वार्थ भाव से हो। आप लोगों की आमदनी और क्या कहते हैं इतना हो जाता है कि क्या कहते हैं आप अपना घर भी देख रहे हो और साथ ही साथ में आपके बच्चे, दो आपके बच्चे हैं, आपके बच्चे हैं, तो मतलब मैं देखता हूँ कि आप लोग अपना घर भी देख रहे हैं साथ ही साथ चैरिटी में बच्चों को भी देख रहे हैं, तो मैं तो ये समझूंगा कि आप उनको अपने बच्चे के जैसे ही ट्रीट करते होंगे। तो मेरे को यही लगता है कि वो आपके बच्चे होंगे जो आपसे सीख के जाएंगे। और मेरे को इस चीज़ की खुशी है, मुझे सच बताऊँ आप लोगों से प्रभावित इस बात से हुआ जब मैंने सुना कि आप निस्वार्थ भाव से आपने कुछ नहीं लिया, और जब कुछ आप लोग नहीं ले रहे हो फिर भी आप लोग इतना कर रहे हो। तो सबसे पहले डोनेशन तो मैं ही आपको करूँगा, ठीक है। और लोगों को यह कहूँगा आपके आस पास कोई चैरिटी है, ठीक है, आप उस चैरिटी को आगे बढ़ाओ, उन चैरिटी को जो लोगों की मदद करने के लिए है, लोगों की मदद करने के लिए है। और मैं कोशिश करूँगा, मेरे जितने भगत लोग हैं जो देख रहे हैं, जिनको जिनको माता से फर्क पड़ा है, तो मैं चाहूँगा, मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि इनका प्रोत्साहन हो, आप और जगह भी चैरिटी को कर सकते हो, लेकिन मैं उनके लिए कह रहा हूँ जिनको जिनकी आस्था माता से जुड़ी है, जिनका विश्वास माता है, जिनका जिनको लगा कि हाँ हमारे कार्य पूर्ण हुए, मैं उनसे एक ही आग्रह करूँगा, आप चलते फिरते कोई गौ माता दिखती है ना उसकी सेवा कीजिए, एक ऐसी चैरिटी दिखती है ना उसमें मदद कीजिए। आप, मैंने आपको क्या कहा, मैंने आज तक आपसे यही कहा, मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे आपका हृदय चाहिए, आपका लगाव चाहिए, आपका प्रेम चाहिए। और उस प्रेम से मैं इन लोगों से इसी चीज़ से प्रभावित हुआ जब सुना कि क्या कहते हैं, मैंने एक बार आपको देखा था कि आप बीच में वो बंदरों को भद्रकाली में वो खिला केले बांट रहे थे, जंगल में केले बांट रहे थे, वो चीज़ मैं ऐसा नहीं है, मैं आपको फॉलो कब से कर रहा हूँ, मैं आप लोगों को कब से देख रहा हूँ, आप लोगों को फॉलो कर रहा हूँ, फिर अमिताभ जी को भी देखा, अमिताभ जी को कि वह क्या कहते हैं जैसे कोई गरीब आ गया तो उसको चलते फिरते राह पे उसको मदद कर देना, आपका मदद कर देना, मैं आप लोगों को कब से फॉलो कर रहा हूँ ये आप लोगों को भी नहीं पता, जब से मैं आया हूँ मैं तब से आप लोगों को फॉलो कर रहा हूँ। और जब मैं आप लोगों को देखता हूँ, सुनता हूँ, और जब मैं दूसरे के मुँह से सुना कि आपने 6 महीने की उनकी ट्रेनिंग दी, 6 महीने के बाद आज वो अपने पैरों पर खड़े हैं, तो सबसे पहले तो आप लोगों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग इस प्रकार की मदद करते हो। और जो देवभूमि माँ गंगा, जो देवभूमि उत्तराखंड है, और उसके उसके साथ में माँ गंगा का जो यहाँ अवतरण है, उस चैरिटी के नाम से मैं चाहूँगा माँ गंगा जिस प्रकार से अपने आप के वेग से प्रभावित करती है, प्रवाहित होती है ना, उसी प्रकार से आपकी चैरिटी प्रवाहित हो, मैं यही प्रार्थना माँ गंगे से करूँगा। और यही प्रार्थना करूँगा कि आपकी चैरिटी और अधिक से अधिक वो हो। और मेरा तात्पर्य यह है कि आप लोग उन 10,000 में से, अगर आप, मैंने कहा 10,000 कमाते हो, आप 5,000 कमाते हो, आप 5,000 में से 50 रुपये ये समझिए कि मुझे एक महीने में वो 50 रुपये इकट्ठे करने ही करने हैं, और किसी गरीब की सहायता करनी ही करनी है, क्योंकि आज की डेट में जब तक आप किसी दूसरे को धक्का नहीं मारोगे तब तक के लिए आप ये सोचिए कि आपका कर्म आपकी आगे की पीढ़ी सुधारेगा, तो आपकी पीढ़ी सुधारेगा। और मैं प्रार्थना करूँगा माँ भगवती से, माँ सुरकंडा देव डोरी से, और समस्त देवी देवताओं से, इष्ट कुल देवता से प्रार्थना करूँगा कि आप लोगों ने जो एक कदम उठाया है ना, अगर इसकी मदद नहीं हो पाती है, अगर कोई मदद नहीं कर पाता है, तो मेरी ओर से तो आपके लिए मदद है, साथ में माता से ये प्रार्थना है कि आपके जो आने वाली पीढ़ियां होंगी ना उनके बराबर सुख कोई नहीं भोगेगा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम तो चाहते ही थे कि आप हमारे साथ मिले, और आपका बहुत बहुत दिल से आभार है कि आपने हमारी संस्था को समर्थन दिया और साथ दिया, इसके लिए हम आपका कोटि-कोटि धन्यवाद। अरे मैं इस चीज को सुन के हैरान हूँ कि एक मतलब
अपनी जेब से लगाना, अपनी जेब से करना, और क्या कहते हैं लोगों को फ्री प्रशिक्षण देना, वो भी आज के डेट में, जो जो ये अपने घर वालों के लिए समय नहीं, जिनको लोगों को अपने घर वालों के लिए समय नहीं, रात को बैठने का समय नहीं, खाने का समय नहीं, उस समय पे भी आप लोगों का इस प्रकार से विचारधारणा, ये तो बहुत आसरानी है, मतलब सोच की भी एक हैरानी होती है। मैं तो चलो जो हूँ, मैं तो कहता हूँ लोगों ने, कई लोगों ने मुझे कहा कि आपको देख के मोटिवेशन मिलता है, तो मैं कहूँगा मोटिवेशन मुझसे नहीं, आप इन लोगों से मोटिवेशन लीजिए, रीना उनियाल जी, अमिताभ उनियाल जी, योगेश उनियाल जी, और आपकी चैरिटी के जितने लोग हैं, इन लोगों से, और जितनी चैरिटी चलाने वाले हैं जो जो निस्वार्थ भाव करते हैं, उन सबसे मैं एक प्रार्थना करूँगा, और मैं चाहूँगा आपकी चैरिटी थोड़ा सा आगे विस्तारपूर्वक हो जाए, विस्तारपूर्वक हो आपकी क्या कहते हैं ये दुकान, और ज़्यादा फैले, ताकि आप निस्वार्थ भाव से सेवा करते रहें, आप लोग निस्वार्थ भाव से सेवा करते रहें। मैं दीदी से पूछूंगा कि आप क्या कहते हैं, मतलब इतने करते हुए भी क्या कहते हैं, आपको अपनी गृहस्थी भी देखनी होती है, मैंने देखा आपके उसमें क्या कहते हैं, उनको मैं खूब बोलता हूँ कि क्या कहते हैं, मतलब उनकी सेवा भी, बुजुर्गों की सेवा भी, और इस प्रकार से कार्य भी, और इस प्रकार से आप समय भी दे रहे हो, चैरिटी को समय भी दे रहे हो, तो आप मतलब रेस्ट कब करते हो भाई, मेरे को लोग बोलते रेस्ट, आप कब रेस्ट करते हो, आप लोग कब रेस्ट करते हो, मैं आप लोग को देखता हूँ रात, आप रात को कभी आप चलेगी, कभी चैरिटी में, कभी कहीं, आप लोग रेस्ट कब करते हो, गौ सेवा भी करती है, मैं खुद देखता हूँ, मैंने देखा गाय जब भी आएगी दरबार पे, उनके खुद की गाय है, मैं देखता हूँ, वो दूध बेचते नहीं है, वो घर के लिए यूज क्या कहते हैं, और दूसरों के लिए, मतलब आप लोग रेस्ट कब करते हो ये बताओ मुझसे, मुझे लोग बोलते हैं कि आपसे मोटिवेशन मिलता है, मैं आप लोगों से मोटिवेट होता हूँ कि आप लोग रेस्ट कब करते हो भाई, मुझे तो दो मिनट नींद ना मिले तो मैं तो सर घूमने लगता है, आप लोग रेस्ट कब करते हो, ये तो बहुत ही खुशी की बात है, सुबह 4 बजे उठना, उठ जाना और फिर से अपने काम में लग जाना, बहुत ही। तो दीपक जी, मैं तो आपसे यही कहूँगा कि अगर आप भी इन चीज़ से मोटिवेशन होते हो, मोटिवेट होते हो, आप इतनी दूर से आते हो, दूर से आते हो, आप लोगों का प्रश्न लेके मुझसे, मेरे पास आए, लोगों ने आपसे प्रश्न किया, तो मैं उनका एक ही जवाब दूंगा, आप, मैं इन लोगों से मोटिवेट होता हूँ, ये लोग मेरे लिए परमात्मा समान है, लोग कहते हैं ना भगवान क्या है, ये है भगवान, भगवान देता है, देता कुछ नहीं, पर मैं ये सोचता हूँ ना, जब तक के लिए उस भगवान की मूर्ति स्थापित नहीं होगी, कौन जानेगा उसे, मंदिर स्थापित नहीं होगा, मैं चाहता हूँ इनकी अपनी संस्था एक बड़े विस्तार में हो, और इसके लिए मैं आपसे भी निवेदन करूँगा कि आप भी इस चैरिटी से जुड़ोगे, जो आपसे बन पाए, आप इस चैरिटी में सहयोग करोगे, इसी चैरिटी में सहयोग करो, आपकी जो मर्जी, जिस चैरिटी को आप सबसे ज़्यादा मानते हो, उस चैरिटी को योगदान करो, लेकिन कहूँगा आपकी यही, और जितने लोग मुझे सुनते हैं उनको एक ही चीज़ कहूँगा, यही कार्य आपको आगे जाकर आपके पुत्र पोत्र आदि से लेकर सब चीज़ों से आपको सुखी बनाएगा। तो आज का बहुत अच्छा लगा, मैं अभी लोगों के साथ ही, अजय जी अगर आपकी इजाज़त हो, एक प्रश्न मैं इनसे पूछना चाहूँगा, कि आपने मतलब ये चैरिटी खोली है, आपने मतलब क्या सोचा था कि मतलब भी कैसे चलेगा, क्योंकि स्टार्टिंग में सबको प्रॉब्लम आती है, स्टार्ट करना सबसे बड़ा, अगर किसी के लिए बड़ा स्टेप होता है तो वो स्टार्ट करना ही होता है, तो आपने स्टार्टिंग कैसे करी, क्या सोचा, क्या ख्याल आया कि हम लोग चैरिटी खोलते हैं? बस ये सोचा कि हम जो 10 रुपए कमाते हैं तो हम 2 रुपए का इस्तेमाल करके, और फिलहाल पैसे से भी नहीं था हमें कोई मतलब, हमें था कि हम अपने जितना मतलब हम अपने तन से कर सके, अपने दिमाग से कर सके, वो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि हमारा पैसा तो नहीं है ज्यादा, हम ये नहीं बोलते कि हमारा पैसा बहुत है, हमारा पैसा बिल्कुल नहीं है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि हम जितना अपने तन मन से कर सकते हैं उतना हम करते हैं, क्योंकि हम मतलब किसी की सेवा करने के लिए कोई ज्यादा बजट नहीं चाहिए होता, किसी की सेवा करने के लिए तो आप एक ग्लास पानी पिलाओगे किसी को तो वो भी काफी है, किसी एक भूखे को खाना खिला दो तो वो भी काफी है, जो हमारे पास शिक्षा है तो हमने उसी को दान कर दिया तो वो भी एक सेवा है, मतलब सिर्फ सेवा भाव से हमने यही सोचा कि हम सेवा करें, और जब हमने सेवा का काम निश्चय किया तो उसी टाइम हमें अपने आप ही माता रानी ने आगे रास्ता भी दिखाया और हमारे काम भी बनते चले गए, हमें पता ही नहीं चला कि हमें 1 साल होने वाला है और हमारे 1 साल कैसे बीत गए और हमारे
हाथों, अब भगवान जाने कि क्या कितना काम हुआ क्या हुआ, पर यह है कि हम अपने मन से बहुत खुश हैं इस काम को करके कि हमने अपने शरीर से अपने एक ग्रुप के साथ हमने मिलजुल कर मतलब कुछ लोगों की मदद कर पाए और उससे हमें बहुत खुशी मिली। तो जैसे कि आपने कहा आपको एक साल हो गया यहाँ काम करते करते, तो आपको क्या लगा कि क्या आपके सामने वो चुनौती थी, क्या मतलब वो मोमेंट जो आप लोगों ने उस टाइम, आपके लिए सबसे हार्ड टाइम क्या था, सबसे गुड टाइम क्या था, आप बता सकते हो हमारे दर्शक को? हाँ जी, उस समय इतना नहीं सोचा था, लेकिन थोड़े धीरे धीरे फिर उसके बाद लॉकडाउन लग गया। लॉकडाउन लगने के बाद मैं ये सोच रही थी कि हम अब आगे कैसे बढ़ें, कैसे चलें, क्या करें। तो फिर अमिता चाची, अमिता उनियाल जी और मेरे पति योगेश उनियाल जी और बबीता सकलानी जी, इन तीनों ने ही मतलब मुझे बहुत साथ दिया, मेरा बहुत सपोर्ट किया कि हम आपके साथ हैं और आपको कोई भी परेशानी होगी हम आपका साथ देंगे। और इन लोगों ने मिलजुल कर मेरे काफ़ी काम किया। और लॉकडाउन में भी फिर हमने काफ़ी महिलाओं से अचार बनवाए, किसी से कोई काम करवाया कि जहाँ जिसको ज़रूरत थी उनके लिए, फिर हमने अपने ही घर से राशन, किसी के लिए कुछ, मतलब इस तरीके से हमने उनको मतलब मदद की। पर मतलब मेरे कठिन समय में भी अमिता उनियाल जी, बबीता सकलानी जी, इन लोगों ने मेरा बहुत साथ दिया है। और सबसे मैं यही प्रार्थना करती हूँ कि आगे भी आप लोग मेरा साथ दें, और जिस तरीके से मैं ये चैरिटी चला रही हूँ एक साल से, उसी तरीके से मैं हमेशा जीवन भर इसी तरीके से इस चैरिटी को चलाती रहूँ। चलिए, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। और अजय जी, आप कुछ बोलना चाहेंगे? मैं तो यही कहूँगा कि इस चैरिटी को जब इतना प्रोत्साहन, और जो जो लोग मुझे प्रेरित देते हैं ना, जो लोग, मैं उनसे एक ही चीज़ कहूँगा, अगर आप 10 रुपये वेस्ट कर दो ना, तो उन्हें वेस्ट मत कीजिएगा, उन्हें सही जगह उपयोग कीजिएगा, सही जगह उपयोग कीजिएगा। देखिए, मैं ये कहूँगा, जब इनकी बातें सुन रहा था तो मैं खुद बोला, मैं इनको एक साल से फॉलो कर रहा हूँ, मैं फॉलो कर रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ, मैं देखिए मैं हर चीज़ देखता हूँ। मैं, आप राजकीय इंटर कॉलेज में देखा होगा आपने मुझे, कहीं मैं हर संस्था से जुड़ा हूँ, हर हर चैरिटी से जुड़ा हूँ, मैं हर जगह जाता हूँ, हर जगह जाता हूँ, मैं देखता हूँ क्या किसकी विचारधारणा कैसी है, क्या कौन है। लेकिन जब मैं इन लोगों को देखता था ना, तो मेरे मतलब इन लोगों की आर्थिक स्थिति भी इस प्रकार से नहीं है कि क्या कहते हैं कि बस इतना है कि अपना घर चला सके, उसमें भी इन लोगों ने मिलजुल कर, मैं देखा इन्होंने अचार बनाया, लोगों को वितरण कराया जिस समय पे लॉकडाउन पे, क्या कहते हैं, मैं खुद उस समय मदद कर रहा था लोगों की, जितना सहयोग मेरे से हो पाया मैं कर सक रहा था, ये लोग उससे अधिक आगे बढ़ के, ये लोग इनके अभी प्रचार प्रसार नहीं है, प्रचार प्रसार नहीं, मैं क्यों आगे आया, मैं किसी का प्रचार प्रसार करता भी नहीं, ना मैं राजनीतिक का प्रचार प्रसार करता हूँ, ना मैं किसी चैरिटी का प्रचार प्रसार करता हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे लिए यह है कि मदद आप कीजिए, पर मेरे को इस चीज़ से बड़ी वो हुई जब इन लोगों की आर्थिक स्थिति भी इस प्रकार से देखी, और फिर मैंने सोचा कि लोगों का सदुपयोग किया जाए, लोगों का सदुपयोग किया जाए किस चीज़ से, इस चीज़ से। इनके वहाँ पता है कैसी कैसी लड़की आती है जिनकी, पता है, घर की स्थिति इस प्रकार से होती है कि अपना घर चलाना मुश्किल हो जाता है, इन लोगों के यहाँ वो प्रशिक्षण लेने आते हैं, बहुत मतलब दुकान ही देख लीजिए, एक ही मशीन पे कितने लोग सीख लेंगे, इनके उसमें एक ही मशीन पे कम से कम 9 से 10 लोग तो आपके उसमें सीखते हैं, ठीक है, अलग अलग टाइम देते हैं। फिर उसके बाद आप देख लीजिए यहाँ पे क्या कहते हैं, ब्यूटी पार्लर का, कंप्यूटर का देख लीजिए, जबकि इनके क्या कहते हैं कंप्यूटर खराब हुआ था तो ये उन दूसरे कंप्यूटर से सिखा रहे थे। तो मैंने पूछा तो इन्होंने कहा कि इतनी आर्थिक स्थिति नहीं है कि हम इस कंप्यूटर को रिपेयर कर सकें, लेकिन जो एक कंप्यूटर है रिपेयर कर सकें, तो एक कंप्यूटर उसके माध्यम से ही मैं इनको सिखा पाती हूँ। तो मेरे को वो चीज़ चुभी, वो चीज़ मेरे को हर्ट हुई कि यार अपनी आर्थिक स्थिति ना होते हुए भी लोगों का सहयोग, अब वो दूसरा कंप्यूटर खराब हो जाएगा तो कहाँ से वो कंप्यूटर की व्यवस्था होगी, कहाँ से कंप्यूटर की, ये मैं चीज़ सोचते मेरे मन में आया कि अगर इनकी 10 रुपये से भी आर्थिक स्थिति सुधारी जाए, मदद की जाए चैरिटी की, तो ये लोग काफ़ी लोगों का घर सुधार सकते हैं, काफ़ी लोगों का घर सुधार सकते हैं। मेरी तरफ से पूर्ण सहयोग है, जितनी चैरिटी है पूर्ण सहयोग मेरी तरफ से, सबके लिए सहयोग मेरी तरफ से, जितना मैं कर सकता हूँ, जितना मेरा आत्मबल है, जितना मेरे से हो सकता है मैं आप लोगों के साथ हूँ, आप लोग के साथ हूँ, करूँगा जितना मैं वो कर सकता हूँ करूँगा। मैं ये तो नहीं बोलूँगा कि मैं क्या दान करूँगा क्या नहीं, ये तो नहीं कहूँगा, लेकिन जितना मेरे से हो पाएगा मैं करूँगा, और मेरे जितने भी
जितने भी भक्त मंडली है उनसे भी क्या कहते हैं ये निवेदन करूंगा कि क्या कहते हैं वो बल्कि इनका एक डिस्क्रिप्शन पे आपको लिंक आपकी चैरिटी का डाल देंगे ताकि आप जो लोग सहायता करना चाहते हैं वो लोग आपकी सहायता कर सकते हैं जो वो लोग देखिए आप लोग मैंने कहा आप कई लोग फालतू कमेंट भी करते हैं तो मैं उनको भी ये सजेशन कर देता हूँ कि आप लोग प्लीज मदद मैंने आप लोग से मदद नहीं मांगी है मैं उन लोगों से मांग रहा हूँ उन लोगों से जो जिन लोगों से माता से भला हुआ जो लोग समझते हैं कि ये जगत कल्याण के लिए तो जगत कल्याण में एक कार्य ये भी आता है अगर आपको मदद करनी है तो आप कीजिएगा अन्यत्र आप ये जो फालतू में बीच में देखता हूँ फालतू कमेंट करते हो मैं ये नहीं कहता मैं कोई बड़ा उपासक हूँ उपासना करने वाला मैं कुछ भी नहीं मैंने कहा हिमालय में जाकर देखो पता लगेगा उपासना किसे कहते हैं लेकिन मैं उपासना करता हूँ किनकी इन लोगों की जो इस प्रकार से मदद करते हैं। तो दीपक जी आप प्लीज इस चीज को जितने लोगों तक ये बात पहुँच सके पहुंचाइए ताकि अगर इनकी सहायता यहाँ से नहीं तो कम सरकार से तो हो कोई ना कोई तो सरकार से जुड़ा व्यक्ति मिले जो इन लोगों की मदद कर सके इस स्तर को बड़ा कर सके। ये नहीं आप जांच पड़ताल कीजिए बिना जांच पड़ताल किए तो मैं भी ये कहूंगा कि दान वही दो जहाँ दान का पुण्य मिले और मैं सोचता हूँ मैं इस जगह को अगर दान करूंगा या फिर किसी गरीब बच्चे को दान करूंगा जो पढ़ना चाहता है जो जैसे कि मैं क्या कहते हैं स्कूल में देखता हूँ कि जिन बच्चों को पढ़ने की आवश्यकता है जितना मेरे से हो पाता है मैं उनकी मदद करता हूँ जिनके माँ पिता नहीं है पढ़ना चाहते उन लोगों की मदद करता हूँ तो मैं इस चैरिटी की जितनी मेरी आर्थिक स्थिति होगी मैं उतना आप लोग के लिए सहयोग करूंगा और करने के लिए कहूंगा जिन लोगों को भला होगा उन लोगों के लिए कहूंगा कि आप लोगों की मदद करें। चलिए धन्यवाद।